गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम क्लास 4. आई विश यू ऑल आर डूइंग वेल, एंजॉइंग गुड हेल्थ एंड लर्निंग एट होम्स. आई एम योर सोशल स्टडीज़ टीचर अरुज यूनस. एज़ यू ऑल नो, वी आर स्टडिंग अबाउट यूनिट 4, गवर्नमेंट, द वे वी गवर्न आवर सेल्व्स. हमने अपनी हुकूमत के बारे में पढ़ा है, उसके इंस्टीट्यूशंस जो हैं, हुकूमत काम कैसे करती है, और इसके अलावा हमने सिटीज़न टॉपिक पढ़ा, और इसमें हमने ये पढ़ा कि शहरी क्या होता है. इसके अलावा हमें किसी भी कंट्री की जो सिटीज़नशिप है कैसे मिल सकती है, बाय बर्थ और थ्रू लीगल वे. इसके अलावा हमने राइट्स एंड ड्यूटीज़ पढ़ी हैं. टुडे वी आर गोइंग टू एंड द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर, एंड इन आवर नेक्स्ट टुडे लेक्चर्स वी आर गोइंग टू डू इट्स क्वेश्चन आंसर्स, MCQs. नाउ टुडे आवर टॉपिक इज़ ह्यूमन राइट्स, ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर ह्यूमन राइट्स. अब ऐसे अदारों के बारे में हम पढ़ेंगे जो लोगों की फलाह व बहबूद यानी लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं, इस चीज़ पे काम करते हैं कि लोगों को उनके हकूक़ जो हैं, लोगों को राइट्स जो हैं उनके प्रॉपर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे. हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, एक सोशल और एक प्रोफेशनल. सोशल लेवल पे जो हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं वो चीज़ें आ जाती हैं, और प्रोफेशनल लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो वर्क कर रहे हैं वो आज हम डिफरेंट डिस्कस करेंगे. नाउ स्टार्टिंग विद ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड, ह्यूमन बीइंग. सो टेक आउट योर सोशल स्टडीज बुक्स. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग ऑफ टॉपिक ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रोटेक्ट rights. Organizations to protect rights. People living in a society cannot protect their rights individually. अब एक इंसान अपने हकूक को अकेला protect नहीं कर सकता. Hence they set up different organizations for this purpose. इसके लिए मुख्तलिफ इदारे बनाए जाते हैं ताकि लोगों के हकूक को look after किया जा सके, और ये make sure किया जाए कि लोगों को उनके हकूक proper मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे. There are two types of organizations working in our country. अब हमारे मुल्क में दो तरह की organizations हैं जो लोगों के welfare के लिए काम कर रही हैं, उनके हकूक की protection के लिए काम कर रही हैं. These are social welfare organizations and professional organizations. अब सबसे पहले social welfare organization क्या है, हम उसको detail में discuss करेंगे. The people living in our neighborhood are as dear to us as our own family and friends. अब हमारे जो हमसाए हैं वो हमें उसी तरह अजीज़ हैं जैसे हमारी अपनी फैमिली है, हमारे अपने फ्रेंड्स हैं, और उनको लुक आफ्टर करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है. एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ना, ये अच्छी हैबिट है, और इस पे हमें काम करना चाहिए, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. अगर कोई ज़रूरत में हो, ज़रूरतमंद हो, उसको कोई हेल्प की ज़रूरत हो, God forbid, if there is any road accident, the people rush to help. अब आपने देखा होगा अक्सर कि कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग फटाफट उसकी हेल्प के लिए जाते हैं ना. They carry the wounded to the hospital. वो उसको उठाते हैं, ज़ख्मी इंसान को, और हॉस्पिटल लेकर जाते हैं. If they need blood, they arrange it. अगर उसको ब्लड की ज़रूरत होती है तो वो उसका भी अरेंज करते हैं. Helping people in such a situation gives great satisfaction and people feel secure that if something happens to them, other people are there to provide help. इस तरह की सिचुएशन में एक दूसरे की हेल्प करने से हमें तसल्ली होती है, एक दूसरे की हेल्प करके हमें खुशी भी महसूस होती है, और हम इस चीज़ से भी मुतमईन होते हैं कि अगर कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो लोग हमारी हेल्प को आएंगे. अगर आज हम किसी की मदद करेंगे तो कल को कोई हमारी मदद करेगा. इन आर कंट्री देर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल विदाउट एनी मॉनिटरी बेनिफिट्स. हमारी ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के काम कर रही हैं, बिना पैसों के, बिना बेनिफिट के वो लोगों की हेल्प करते हैं. These organizations work for the well-being of people so that they may live a better and prosperous life. वो लोगों की help करते हैं ताकि लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें. These associations include अंजुमन हिलाल अहमर, अंजुमन इमदाद, महमी सोशल सिक्योरिटी स्कीम, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, ईदी ट्रस्ट, दारुल अमान, अंजुमन हिमायत इस्लाम, अपवा,
औकाफ एंड SOS विलेज एक्सेट्रा हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं और उनकी हेल्प करती भी हैं। ईदी सेंटर का तो आपने नाम सुना होगा, ईदी साहब का, अब्दुलतार ईदी का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने बहुत सारी ऐसी घर खोले, उन्होंने अपनी फाउंडेशन खोली पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं जिनको ज़रूरत होती है। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अब प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है? दीज ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर द राइट्स ऑफ पीपल वर्किंग इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन। दीज इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर्स, डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट, लॉयर्स, ट्रेडर्स एंड लेबरर्स। अब डिफरेंट तरह के लोग हैं, टीचर हैं वो कैसे लोगों की हेल्प करते हैं, फ्री एजुकेशन देते हैं, आपको पता है टीचर्स को डॉक्टर फ्री इलाज भी कर देते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट लोग हैं जो मिलकर लोगों की मदद करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस रन कर रहे हैं अपनी कंट्री की वेलबींग के लिए, अपनी कंट्री के लोगों की वेलबींग के लिए। और एक बहुत अच्छी हैबिट है और इसको सबको करना चाहिए। नाउ माय डियर स्टूडेंट, इट इज़ योर होम टास्क टू डू द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डू इट्स क्वेश्चन आंसर्स। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।